स्टेम पार्ट है ये, या फिर इसको बोलना चाहिए ये जो अदरक है ये हमको सॉइल के अंदर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ राइजोम। तो ये राइजोम के फॉर्म में हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो अदरक का अगर हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें तो अदरक हमको इस शेप में मिलता है। ये अदरक का स्ट्रक्चर है, ये अदरक का कैसा शेप होता है। उसके बाद कहाँ कहाँ मिल सकता है, इसकी प्लेसेस कहाँ कहाँ है। तो जो जिन
करें तो जिंजर का जो शेप होता है वो कैसा रहता है, फिंगर लाइक होता है, जैसे हमारे हाथों की फिंगर्स है, ये देख रहे हैं आप, फिंगर्स लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी शेप की बात करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, तो हम लोग देख रहे हैं लॉन्गिंग यूजली फ्लैट इन शेप का होता है। इसकी अगर हम लोग शेप की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडिनली फ्लैट शेप का होता है। फ्लैट आप देख रहे हैं, फ्लैट है पूरा। उसके बाद हम लोग फ्रैक्चर्स की बात करें, फ्रैक्चर्स का क्या मतलब होता है, तो फ्रैक्चर्स का मतलब ये होता है जब भी हम कोई ट्रंक के वुड के ट्रंक को या फिर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग तोड़ते हैं, उसकी स्किन को निकालते हैं, या फिर प्लांट की अगर बात करें, ट्री की अगर बात करें, तो हम अगर उसकी आउटर मेम्ब्रेन को निकाल रहे हैं, उसको अगर तोड़ रहे हैं, तो वो उसका क्या साइज में वो टूट रहा है, क्या साइज में वो हमको ऑप्टेन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अदरक को तोड़ रहे हैं या फिर उसको कट कर रहे हैं या फिर उसकी उसको उसकी स्किन को निकाल रहे हैं, तो वो कैसे ब्रेक डाउन हो रही है। जैसे अगर हम लोग कोई पेड़ में से किसी बार की छाल को निकालते हैं पेड़ में से, तो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ पूरी की पूरी पत्ती उसकी निकल आती है, कुछ कुछ क्या होती है शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में वो बाहर निकलती है। जो शॉर्ट फॉर्म में निकलती है या लॉन्ग फॉर्म में निकलती है, हमको कैसे ऑप्टेन हो रही है, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो टूटने पर हमको किस फॉर्म में ऑप्टेन हो रही है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग जिंजर का देखते हैं तो जिंजर जो हमको मिलती है वो हमको शॉर्ट फॉर्म में मिलती है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ये हमको शॉर्ट फॉर्म में ऑप्टेन होती है। उसके बाद अगर हम लोग कलर की बात करें कि जिंजर का कलर कैसा होता है, तो जिंजर का जो कलर होता है ये सबको पता है कि जिंजर हमको डार्क या बफ कलर का ऑप्टेन होता है। तो उसकी कलर की अगर हम बात करें तो ये हमको कौन कैसे शेप में कैसे कलर में मिलता है, बफ कलर बोले या फिर डार्क कलर बोले, डार्क कलर में हमको ऑप्टेन होता है। उसके बाद अगर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, अदरक का स्मेल कैसा होता है, तो ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑर्डरस होता है, इसका स्मेल होता है, ठीक है, तो ये ऑर्डरस होता है या फिर हम पंजेंट स्मेल भी बोल सकते हैं, पंजेंट स्मेल। एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है कि हर एक ड्रग का खुद का एक स्मेल होता है। अगर हम लोग बात करें अदरक की, लौंग की, सौंफ की, तो इन सब की क्या होती है, खुद की एक ऑर्डरस प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ड्रग का आइडेंटिफिकेशन होता है, हम उसको पहचानते हैं। तो जितने भी ड्रग्स जिनका खुद का ऑर्डर होता है दैट इज नोन एज एरोमेटिक ऑर्डर। तो हमारी जो भी ड्रग्स का खुद का कैरेक्टर होता है, खुद का ऑर्डर होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डरस। तो हमारा जो ये इसका जो ऑर्डर है अदरक का, ये हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्डर। इसका खुद का एक ऑर्डर होता है, इसे हम लोग उसको बोलते हैं एरोमेटिक ऑर्डर। उसके बाद अगर हम लोग टेस्ट की बात करें कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो अदरक का टेस्ट आप सबको पता है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा सा तीखा होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पंजेंट इन टेस्ट, पंजेंट इन टेस्ट। तो अभी हमने क्या क्या बात कर ली कि मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करी कि इसका हम लोग का क्या क्या इसका फॉर्म होता है, शेप, सरफेस, स्ट्रक्चर्स, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग अपनी ड्रग का, अगर हम लोग बात करें जिंजर ड्रग का, तो अगर हम लोग जिंजर ड्रग के राइजोम को कट करते हैं, सपोज ये ड्रग है, ठीक है, इस ड्रग को अगर हम अदरक की ड्रग को अगर हम कट करते हैं, चाहे हम उसको ब्रांचर सेक्शन करें चाहे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में कट करें, अगर इसको हम कट करते हैं और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये हमारा सब सेल से मिलकर बना हुआ है, तो डिफरेंट टाइप्स की सेल को
और जो ग्वालियर है